पेट में और सिर में किसके दर्द रहता है? तेरे रहता है। कालजा पकड़ा जाता है बच्ची, कालजे में दर्द रहता है ऐसे जैसे कोई मरोड़ी लगती है, ऐसे ही होता है। ये मुझे ये बता शरीफ पे असर तेरे रहता है? पहले तो बच्चे बोलने का तरीका सीखो कि कहाँ पे आए हो और कहाँ पे क्या बात कर रहे हो। माता जी इनके शरीर में दर्द रहता है। मुझे बताइए कालका की पूजा होती है घर में? है क्या भोग देते हैं? माता जी पेड़े का भोग देते हैं। दर्शन भी देती है बच्ची के रूप में? दर्शन भी होते हैं बेटा बच्ची के रूप में, बता के भी जाती है, ठीक है, लेकिन मानते नहीं हो तुम लोग। पुरानी सेवा कौन करता है ये बता पहले? तू ही करता है, इसके घर से है तो बोलता क्यों नहीं बच्चे? है सामने आके बात। बैठ बच्चे, चुप चुप चुप। मैं तो मैं ये लालड़ा पीर की पीरों की सेवा करते हैं। ये बच्चे किसी के कहने पे सेवा चालू की है या अपने आप से ही चालू कर रखी है तुम लोगों? जी मैं चौकी मसाइल किसी ने बताया है ना आपको सेवा का बताया था? नहीं बताया नहीं जी, मैं थोड़ी तबीयत खराब हो गई मेरी तो 2015 में वहाँ पे बनवारी जी पापा जी हैं उनकी चौकी में गया था, तो वहाँ से मेरे को लगा भी मैं सेवा चालू करूँ, फिर मैंने लाल लाल पीर की विद्या जनाब गुरु धारण भी किया हुआ है तूने? नहीं नहीं माता जी, वहाँ से सिर पे हाथ नहीं रखवाया क्या? वो मैं पैर पकड़ता रहता हूँ। हाँ तो सिर पे हाथ रखा हुआ है ना, तेरा गुरु आगे आ रहा है, तूने तो नहीं माना लेकिन उसने तो सिर पे हाथ रख के शिष्य बनाया हुआ है तुझे। सपने में मेरे आते रहते हैं बनवारी, कभी मगर बात नहीं हुई ऐसे भी, वो मैं तो चाहता हूँ शिष्य बनूँ बट बात नहीं पाती, भीड़ बहुत ऐसे। सेवा माता पिता ने बताई नहीं, शायद उनको पता ही नहीं। ये बुजुर्गों से पितर उठा हुआ है बच्चे, ये रुष्ट बैठा है, कहता ना मुझे सेवा मिल रही, पानी नहीं, कोई कुछ नहीं, कपड़े तक नहीं दिए जा रहे, ऐसा ही है ना, तो मानते क्यों नहीं बच्चे पितरों को? मेरे जब तक बच्चे पितर माता जी हम ना श्राद्ध जैसे आते हैं ना साल बाद वही करते हैं, हमारे सास भी वैसे करते। बेटा मेरी बात ध्यान से सुन, श्राद्ध तो तुम करते हो, श्राद्ध तो सभी पितरों के होंगे ना, जितने भी तुम्हारे पीछे परिवार से पितर चले हुए हैं, जो तुम्हारे रिश्तेदारों के पितर हैं वो भी उनमें माने जाते हैं, तो किस किस पितर का करेगी बेटा? पितर एक ही होता है जिसका की हर मावस को भोग दिया जाता है, ठीक है, वो आपका रुष्ट बैठा है बुजुर्गों में है बेटा, ठीक है, सफेद रंग का कुर्ता पजामा डाला हुआ है, सावले से रंग का है, ठीक है, लंबा सा है, ये है तुम्हारा पितर, ठीक है, जो अपनी मानता मांग रहा, ठीक है। और एक मुझे ये बताओ बेमौत मरा हुआ है, जवान है ये? हाँ क्या कितना टाइम हुआ है? ये काफी समय हो गया बच्चे, अब की नहीं है ये मामों में है कि मतलब मेरे भाइयों में? ये नहीं बच्चे तेरे भाइयों में ही है, ये बता तो रही हूँ, जवान मरा हुआ है, जवान मरा हुआ है बच्चे के। जवान मैं मैरिड शादी शादीशुदा है बच्चे, तो मेरे मामा को दिया, ठीक है, शादीशुदा है ये, कुवारा नहीं है, जवान मरा है, अचानक से बेमौत होके मरा है और यही आगे आया खड़ा है बच्चे, तुझे दिखाई भी देता है और शरीर पे तेरे असर भी लगता है। मेरे मामा ही तो है। हाँ
तुझे रास्ता भी दिखाता है, ऐसे नहीं करती कि गलत के लिए तेरे साथ। मेरे को तो बहुत सपने आते थे, बताऊं पता ही नहीं, बहुत सपने चलते थे। पहरा है बच्चे तेरे ऊपर, पीरों का भी है और ये पितरों का भी पहरा है, ठीक है। जैसे ही सोता है तेरा बेड तक भी हिलता है बच्चे, जो भी जहाँ पे बिस्तर पे तू सोता है वहाँ पे भी उनका पहरा रहता है, ठीक है। लेकिन तुझे शरीर से भी दिक्कत आती है, दिमागी से भी दिक्कत आती है, सोचने की क्षमता नहीं है बच्चे, कभी कुछ सोचता है कभी कुछ सोचता है, जो हर जो समय है तेरा ये निकल जाता है कि क्या करूँ कैसे करूँ, पागलों की तरह हो जाता है, ठीक। हर समय यही दिक्कत रहती है तुझे। तो पहले तो बच्चे तुम्हारे पितर है इनको मना, दूसरे बच्चे ये चीज घूम रही है घर पे, बेमौत मरी हुई जनानी है जापे में मरी हुई, ठीक। ये जनानी घूम रही है घर पे, तुझे पता भी लगता है, पेट में दर्द रहता है बच्चे इसके, ठीक। ये बताती नहीं है, चुपचाप रहती है, ठीक। इसके शरीर पे दिक्कत रहती है, बहरा भी आता है, ये चीजें हैं बच्चे, बाकी कोई छोड़ी छड़ाई कोई चीज नहीं है। हाँ बच्चे, जनानी जापे में मरी हुई है, तुम्हारे ही परिवार की बता रही है, ठीक है। ये जनानी है बच्चे, ठीक। तो इसको पहले तो आप करवाओ दूर, और उसके बाद बच्चे अपना गुरु है जो आपका जो भी है, मैं ये नहीं कहती कहीं से करवाओ, लेकिन जिनके पास आप जा रहे हो उनके पास जाके बच्चे अपने सिर पे हाथ रखवा, ताकि तेरे ऊपर शरीर तेरे शरीर पे पहरा लगे, ठीक है, कि ये जो संकट है ये तेरे दूर हो। अगर सिर पे हाथ रखवाएगा तो संकट तेरे नजदीक भी नहीं आए, ठीक है। साफ तेरे इन्हीं का पहरा है, कोई तेरे ऊपर भूत प्रेत नहीं है। हाँ, जो तुम्हारा पितर जो तुझे बता रही हूँ ये तेरे साथ भी देता है, और कई बार रुष्ट भी हो जाता है, इनको भोग नहीं मिलता, कपड़े नहीं मिल रहे, शुद्ध तरीके से नहीं चल रहे। जब इनकी मानता चालू हो जाएगी शुद्ध तरीके से चालू हो जानी है, ठीक है, हर चीज में तुम्हारा साथ देगा। बाकी बात नहीं, मैं सेवा करता हूँ, ठीक चल रही मेरी सेवा, ठीक चल रही है तभी तो यहाँ ले आए ना तुझे, ठीक है ना। सेवा ठीक चल रही है तभी यहाँ पे ले आए बच्चे, ठीक है। ये बच्चा भी है बच्चे, इसको भी मानसिक, ठीक है, पागलों की तरह करता है ये बच्चा। दवाइयाँ भी चल रही है क्या इसकी? दवाइयाँ चल रही है लेकिन कोई असर नहीं है। बोलता तो है, बोलने की कोशिश करता है लेकिन आगे से जीभ है वो निकलती नहीं है। आगे बोला इस पे पैर मत रखना, बच्चे को बच्चे को भेज दो, बस 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 बस। बहुत सच्चे दरबार की है, 7 दिनों के अंदर अंदर बच्चा ठीक हो जाएगा। जब आगे चौकी पे आए मेरी कढ़ाई ले आना, ठीक है। पानी नारियल को चुन्नी लटके, हाँ चुन्नी में लपेट के पानी वाला नारियल बच्चे 7 बार इसके ऊपर से छुआ के और घर पे अरदास लगा के रख देना, ठीक है। बच्चे में फर्क पड़ना चालू हो जाएगा 3 दिनों के अंदर अंदर। एक पास में मंदिर भी वहाँ पे गंगानगर में, गए तो नहीं वहाँ भी हो? नहीं जाना है बच्चे, पहले अरदास रख, ठीक है, अरदास रख दे मेरे नाम की और एकदम ठीक हो जाएगा। हाँ लेकिन अरदास के अंदर 5 चावल के दाने जरूर रखने हैं तूने, ठीक है, मतलब आसानी शीतला के नाम के वो रख दे, और 3 दिनों के अंदर अंदर फर्क पड़ना चालू हो जाएगा। हाँ जो चीजें हैं उनकी मुक्ति करवा, दूर करवा, ठीक है, और आगे जब 7 दिनों बाद आएगा एकदम ठीक हुआ होगा, ठीक है। और बाकी बहुती पिला इसे और जोत का तेल लेके जाना, ठीक है, ये काम कर बच्चे। माता जी इनका 5-6 साल से काम बंद है, एकदम ठीक हो जाना बच्चे। अगर दरबार से बुलाएगा तो भी होगा, सब चीजों की तुझे बता दिया, यही रोक लगाती है, ठीक है। कोई ये कराएगा चक्कर नहीं है बच्चे की, मैं से कह दूं कि ये कराएगा, ठीक है। जो तुम्हारा गुरु आ गया
बैठो पीछे बैठो, थोड़ी देर में बुलाते हैं।